प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की नई टीम की घोषणा हो गई है और बीजेपी की इस नई टीम पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि ये विनिंग टीम है, ये विजय पताका लहराएगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये कमेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। भय भूख भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। ईडी को लेकर बंधु तिर्की के बयान पर अमर बावरी ने कहा कि वह बड़बोलापन के शिकार हैं, उनको आंख दिखाने तक की हैसियत नहीं है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कि ऐसी कोई भी हरकत उन्हें आजीवन सलाखों के पीछे गुजारना पड़ सकता है। 100% विनिंग टीम है और यह विजय पताका लहराएगा। आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यह जो हमारी कमेटी है, ये 14 के 14 लोकसभा की सीटें और आने वाले विधानसभा में पूर्ण बहुमत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके एक जनता की सरकार बनाएगी, जो ये भय भूख भ्रष्टाचार में आकंठ डुबा चुकी इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और जनता का शासन स्थापित करेगी। किसी पद पे बैठ जाने से आप कानून के ऊपर हो जाएं, ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा इतिहास गवाह रहा है, अपने आप को आज हाशिए पर खड़ा पाए हैं। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो हमारे सांसद ने जिनको पावर डेलीगेट किया है उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है और आप वैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के रूप में आपको यह नैतिक दायित्व बनता है कि उनके साथ आप जो है सहयोगी भूमिका निभाएं और उनको जो भी जानकारियाँ चाहिए उनको दे दीजिए। अगर यदि आपको लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है या गलत प्रेशर बनाने का काम कर रहा है तो आप माननीय न्यायालय के शरण में जाइए, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी आपके सारे विचारों को या आपके आग्रह को उसने खारिज किया है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको ईडी के कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और वो कहते हैं कि ईडी के अधिकारियों का जनी शिकार कर दिया जाए, इसको किस रूप में? वो बड़बोलापन के शिकार हैं, उनको आंख दिखाने तक का उनका हैसियत नहीं है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वो। उनको मालूम है जिस तरह का कोई भी हरकत तो उनके आजीवन जो है ना उनको कानून के सलाखों के पीछे गुजारना पड़े। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार से 22 जनवरी को राजकीय अवकाश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आनंदित है। कई राज्यों ने इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजकीय अवकाश घोषित किया है। झारखंड के लोगों की भी इच्छा है कि झारखंड में भी इस दिन राजकीय अवकाश हो। पूरा विश्व सनातन संस्कृति और सनातन धर्मावलंबी आज पूरे विश्व में आनंदित है, उत्सव का माहौल है और पूरा वातावरण जो है राममय हुआ है। देश के कई एक राज्यों ने इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए अपने नागरिकों को इस आनंद उत्सव को जीवन भर के लिए अपने कैद करने के लिए उनको राजकीय अवकाश का छुट्टी देने का घोषणा किया है और लोगों को आनंद भी है। झारखंड में भी कमोबेश सभी हर एक नागरिकों की इच्छा है कि इस देव दुर्लभ संयोग को अपने जीवन में हम उतारें जो 5 दशकों के बाद आया है। ऐसा दिन 5 दशकों के लंबे संघर्ष के बाद आया है और उसको देखने का, उसको जीने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है मानव रूप में। तो इस राम के इस भव्य पुनर्स्थापन को, इस विग्रह के पुनर्स्थापन को और रामलला के पवित्र मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए यादगार बनाएंगे, इसलिए जनता की भावना से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह पत्र लिखा है कि आप इसको अवकाश घोषित करके पुण्य के भागी आप भी बनिए। देखिए पूरा विश्व सनातन संस्कृति और सनातन धर्मावलंबी आज पूरे विश्व में आनंदित है, उत्सव का माहौल है और पूरा वातावरण जो है राममय हुआ है। देश के कई एक राज्यों ने इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए अपने नागरिकों को इस आनंद उत्सव को जीवन भर के लिए अपने कैद करने के लिए उनको राजकीय अवकाश का छुट्टी देने का घोषणा किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।
आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।